Honorable Prime Minister of India and Foreign Minister of India, we are the students of Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine. We are stuck in Ukraine, Kyiv. So it's an humble request from the government of India to evacuate us as soon as possible. Our parents are getting panicked in India. So it's my humble request on behalf of all the students who are stuck in Kyiv to evacuate us as soon as possible. Thank you. बेगूसराय जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मानोपुर निवासी डॉक्टर अशोक कुमार के 24 वर्षीय पुत्र निर्भय कुमार अनुज का यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिसको लेकर पूरी जानकारी लेने डीडीसी सुशांत कुमार अनुमंडल पदाधिकारी तेघरा सीओ वीना भारती निर्भय के पिता डॉक्टर अशोक कुमार के घर मंगलवार को उनके गाँव मानोपुर पहुंचे और यूक्रेन में फंसे निर्भय कुमार अनुज के पिता डॉक्टर अशोक कुमार एवं माता शैल कुमारी से पूरी जानकारी ली। इस संबंध में निर्भय की मां ने बताया कि निर्भय करीब 5 वर्ष से MBBS की पढ़ाई करने यूक्रेन गया है। उसके पढ़ाई का अब 1 वर्ष 3 माह बचा हुआ है। यूक्रेन में युद्ध की स्थिति से काफी चिंता बढ़ गई है। वहीं परिजनों से मिलने पहुंचे DDC सुशांत कुमार ने बताया कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार की पहल से यूक्रेन में फंसे बच्चों को वापस भारत लाया जा रहा है। इसी संदर्भ में मिली जानकारी के अनुसार बेगूसराय जिले के कुल 16 बच्चे को यूक्रेन में फंसे होने की सूचना मिली है, जिसमें बीते दिन तेघरा प्रखंड के एक बच्चे को वापस लाया गया है। लगातार प्रयास किया जा रहा है, सभी बच्चों को सकुशल वापस लाया जाएगा। BNP न्यूज के लिए भगवानपुर से संवाददाता बमबम कुमार की रिपोर्ट। भगवानपुर अंतर्गत मौनोपुर ग्राम में मेरा घर हुआ, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में। मेरा लड़का जो है 5 साल से वहाँ रह रहा है, ये 6ठा साल उसका है MBBS का। वो सोच रहा था कि हम MBBS करके ही जाएंगे, बीच में ऐसा प्रावधान हो गया, लड़ाई हो गया, जिसके कारण उसको आना पड़ा, बुलाना पड़ा। क्या कितने दिनों पहले वो गए थे? 5 साल पहले। 5 साल से अभी तक नहीं आए हैं घर? नहीं नहीं, 1 साल नहीं, बीच में। हाँ, बीच में एक बार आए थे कोरोना के वजह से, 2 महीना यहाँ रहा, करीब 2 महीना। संपर्क में है लगातार बच्चे से? संपर्क में है। हाँ, संपर्क में है। अब क्या उम्मीद लगा रहे हैं? आ रहा है, अब देखिए क्या। भगवान क्या। नाम क्या हुआ बच्चे का? निर्भय कुमार अनुज। आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर अशोक कुमार। पदाधिकारी आए, क्या आश्वासन मिला? हाँ, पदाधिकारी आए अभी आपसे मिले, क्या आश्वासन दिए? आश्वासन तो मिला। क्या बताया गया? आए, आएगा, जरूर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बेटा यूक्रेन क्यों लगन पर रहा था, कीव के नजदीक राजधानी कीव में, वहाँ पर जाकर के हम बुला रहे थे, बवाल होने वाला था ना, उसी समय में हम कहे बाबू चला तुम चला, और नहीं आ रहा था, नहीं मम्मी नहीं कुछ होगा, तुम अथी न्यूज मत देखो, हमको कुछ नहीं होगा, नहीं बवाल होगा, तुम नहीं घबराओ। से एक माने 1 साल 3 महीना बचा हुआ है मेरा अथी आने का, डिग्री हमको हो जाएगा तब हम आएंगे, और तब इसी समय में इतना विवाद हो गया है सर। और उसके बाद हम 5-6 दिन से हम खाना उना नहीं खाते हैं, उसके चिंता में भर दिन देखते हैं TV, और उसके बाद अथी में हम अथी है। और तब जा कर के कल भी बहुत लड़का निकल रहा था जे अब अथी ख़त्म हो गया, तब हम कहे बाबू चल रहा है यहाँ, तो नहीं मम्मी अभी हम नहीं आएंगे, ऐसे भगदड़ हो जाएगा, बहुत बच्चा निकल रहा है, भगदड़ होगा। तो हम कहे नहीं बाबू निकल जाओ, यही मौका है निकलने का। तब जा कर के उसको हम अपना दामाद को कहे हैं, तब वो बोले हैं, तब जा कर के वो कह करके तब उनको उसको दबा करके बोले हैं, तब शाम में निकला है 6 बजे, और तब जा कर के वो ट्रेन में बैठा हुआ है। अब देखिए कहाँ पर उतर रहा है, नहीं हमको नहीं, न्यूज स्टेशन में भी हम खबर कर दिए थे, दिल्ली से भी। बच्चे से लगातार संपर्क हो रहा है क्या? संपर्क कभी कभी होता था, कभी कभी नहीं होता था। कितने दिनों से जो है यूक्रेन में आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे थे? 5 साल से। 5 साल से। किस चीज की पढ़ाई कर रहे थे? MBBS डॉक्टरी, मेडिकल का तैयारी। नाम क्या है बच्चे का? निर्भय कुमार अनुज।
आपका नाम क्या हुआ? सैल कुमारी। ट्रेन में फंसे बच्चे के संबंध में क्या सोचना है? इसके बारे में आप लोग जान ही रहे होंगे कि भारत सरकार और राज्य सरकार के पहल से बच्चों को लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पे जानकारी भारत सरकार के नॉलेज में है इन बच्चों के बारे में, और 53 बच्चे अब तक आ भी चुके हैं बिहार के, और हम लोग आए हैं यहाँ पर इनका लोकेशन वगैरह जानने के लिए। जैसे कि आपकी जानकारी होगी कि उन लोगों को यहाँ पर मुंबई या दिल्ली में उतारा जा रहा है, वहाँ से राज्य सरकार का यह इंतजाम किया गया है कि वहाँ से अपने राज्य सरकार के पहल पे पटना लाया जाएगा। पटना से गंतव्य स्थान यानी कि घर तक वहाँ पे पटना के लिए चार के द्वारा आ जाएंगे, तो हम लोग लगातार टच में हैं ताकि बच्चों को सुरक्षित ला सकें। जिले के लगभग सर कितने बच्चे अभी वहाँ पे फंसे हुए हैं? जिला में अभी तक जो जानकारी है वो 16 बच्चे हैं, तो 16 बच्चे में एक तो बच्चा कल रात को तेगड़ा का आ गया। इसी तरह जानकारी धीरे धीरे प्राप्त हो रही है, सभी जगह सब लोग गए हैं। तो प्रखंड के सर कितने बच्चे हैं? भगवानपुर प्रखंड के प्रखंड के जी एक बच्चा। इसी बच्चे के बारे में कब तक सर आ जाने का उम्मीद है? ये बच्चा वहाँ पे नियरेस्ट बॉर्डर पे पहुँचने पे, वहाँ पे जैसा आप लोग जान ही रहे हैं कि माननीय मंत्री जी लोग भी गए हुए हैं वहाँ पे, जो नियरेस्ट बॉर्डर पे पहुँचेंगे वहाँ से लाने का इंतजाम किया है। धन्यवाद। अभी जो यहाँ पे पता चल रहा है वो बच्चा ट्रेन में है। धन्यवाद।